सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुप्रा। और आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहीं पे डीएमएलटी डीएमआरटी एग्जामिनेशन बोर्ड उड़ीसा का ये क्वेश्चन है। अभी अभी रिसेंटली ये वाला एग्जामिनेशन हुआ था और अभी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर डीएमएलटी एनुअल एग्जामिनेशन जो है बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सामने मैंने यही सुना है कि बायोकेमिस्ट्री हमारा तो होता नहीं है, ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये। बायोकेमिस्ट्री को सब लोग डिफिकल्ट सब्जेक्ट मान के रखे हैं, बट टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दैट कि कैसे ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कैसे प्रिपेरेशन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट When I will upload a new video, you will get a notification. तो चलिए चलते हैं, आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट होता क्या है बेसिकली, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 5 मार्क का जो मतलब ये 6 क्वेश्चंस दिए थे इसमें और आप लोगों को 5 करना है। और यूरिया क्लियरेंस टेस्ट के बारे में आप लोगों को क्या बताना है चलिए देखते हैं। ये होता क्या है, ये मेजर क्या करता है आप लोगों का अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन को ये मेजर करता है। कहाँ पे नाइट्रोजन आप लोगों का कहाँ पे मिलता है, इन योर यूरिन ऑफ कोर्स, इजंट इट। थोड़ा सा सोचो, यूरिया नाइट्रोजन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब आपका बॉडी का कौन सा चीज, जब आपके बॉडी में जो लीवर है, ठीक है, जो आपके बॉडी में जो लीवर है, वेन इट ब्रेक्स डाउन योर प्रोटीन, वेन इट ब्रोक्स डाउन योर प्रोटीन, जब ये आपके प्रोटीन को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन योर प्रोटीन, सो व्हाट हैपेंस देयर, ये आपका लीवर है, जब आपका ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तब क्या रिलीज होता है, तब क्या रिलीज होता है, तब आप लोगों का यूरिया नाइट्रोजन रिलीज होता है, यूरिया नाइट्रोजन रिलीज होता है। एंड ये आपका पूरे पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। कहाँ पे सर्कुलेट होता है, ब्लड स्ट्रीम में पूरा पूरा सर्कुलेट होता है एंड उसके बाद फिल्टर होता है बाय किडनी। थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर बता रही हूँ यहीं पे देख लो थोड़ा सा, और ये फिल्टर होता है किडनी में और ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, यस सर नो। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का किडनी में, ये फिल्टर हो जाएगा एंड फिल्टर होने के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सक्रीशन होगा, इजंट इट। देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिया नाइट्रोजन विल एक्सक्रीटेड इन योर बॉडी। तो इसके लिए क्या होगा, सो ये जो टेस्ट है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट का मतलब होता है ये अमाउंट ऑफ योर यूरिया नाइट्रोजन को इन यूरिन टेस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट पर ये आप लोगों को समझ में आ गया यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। अरे अरे क्या पूछ लिया है, इसको आप लोग अदरवाइज क्या बोलते हो, HbA1c, isn't it? HbA1c बेसिकली क्या होता है, इसको आप लोग ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हो, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, ग्लाइको हीमोग्लोबिन। ये आप लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट योर ब्लड शुगर लेवल ओवर 2 to 3 months। यानी आप लोग बता सकते हो ऑन एन एवरेज लास्ट 3 month में आप लोगों का कितना शुगर लेवल है वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग डायबिटीज है कि नहीं या फिर प्री डायबिटीज कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए भी ये वाला टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसमें फास्ट 3 month का आप लोगों को ब्लड का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चल जाएगा, ठीक है, लेस देन 6% इसका नॉर्मल रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, मेजर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस का मेजर एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पैनक्रिया जो आप लोगों का है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, सारी चीजों को सब लोग नोट कर लो, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्योंकि बाद में आप लोग इसे भूल जाते हो।
चलो देखो, पैनक्रेटिक जूस जो होता है सिक्रेटेड बाय योर पैनक्रीज, सपोज दिस इज द पैनक्रेज हियर, ठीक है, इधर स्टोमक हो गया, ये पैनक्रेज हो गया, ये आप लोगों का सिक्रेशन कर रहा है पैनक्रेटिक जूस, हुआ क्या, सिक्रेशन कर रहा है पैनक्रेटिक जूस को, ये सिक्रेशन कर रहा है, ओके। तो ये जब ये पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेशन करेगा, उसके अंदर में कुछ एसेंशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एसेंशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वही एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को पूछा है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है कौन से फॉर्म में, ट्रिप्सिन, उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है ट्रिप्सिन फॉर्म में, दैट इज सिक्रेटेड बाय योर पैनक्रीज, गाइस याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल, क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके इंटेस्टाइन में प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स एज वेल एज अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में ट्रिप्सिन हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन यहीं पे क्या किया, प्रोटीन भैया इधर है, इधर आप लोगों का पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन का इधर क्या रोल हो जाएगा, ट्रिप्सिन भैया हमारा क्या करेंगे, दे विल हेल्प टू ब्रेक डाउन प्रोटीन टू पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स, और वो भी कहाँ पे, इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ट्रिप्सिनोजेन इज वन ऑफ द एंजाइम, दूसरा एंजाइम क्या हो जाएगा, और क्या लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज दूसरा वाला एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम लाइपेज जो होता है लिपिड डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, इजंट इट, नाम से ही पता चल जाता है, लिपिड डाइजेशन के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो फैट है या फिर लिपिड्स है, इसको फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है, ये आप लोगों का और कोई नहीं, लाइपेज ही है, हुआ, समझ रहे हैं सब लोग, और कौन सा एंजाइम हो सकता है, और कौन सा एंजाइम हो सकता है, तीसरा अमाइलेज, अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को ये वाला चीज बहुत ही अच्छे से पता होगा, फाइनल डाइजेशन ऑफ योर बॉडी, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स कंप्लीट्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको ये वाला चीज पता है, ऐसा कोई नहीं है इधर जिसको ये वाला चीज नहीं पता होगा, बचपन से 7th क्लास से 8th क्लास से आप लोग ये चीज को पढ़ाई करके आ रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फाइनल डाइजेशन होता है, तो इधर देख लिया आप लोगों ने, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड का भी डाइजेशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते कहाँ पे हैं, बिल्कुल पैनक्रेटिक जूस के अंदर में ये वाला एंजाइम, और दूसरा बताऊं, दूसरा बताऊं, और फिर से फोर्थ वाला और एक लिख लो, दैट इज द न्यूक्लियस, ये भी एक एंजाइम होता है, लास्ट को ऐसी है, मतलब एंजाइम है ये, न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है, इसको आप लोग राइबो न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, डाई डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ये आपके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, ये डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए भी हो सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लियस कर लेता है, किसके द्वारा, बाय योर पैनक्रेटिक एंजाइम्स, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ रहे हो ना सब लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है, दिखाई नहीं दे रहा ना अभी, चलो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं,
बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ CSF, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ CSF, तो CSF जो है, सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है, ये सराउंड करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है, आप लोग बोल सकते हो, सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इजंट इट। आपके स्पाइनल कॉर्ड को या फिर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? CSF है। तो ये CSF के अंदर में बहुत सारे बायोकेमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। तो कौन से टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर में आ जाते हैं फॉर योर CSF? फर्स्ट वन नोट कर लो, ग्लूकोज लेवल। क्या हो रहा है? ग्लूकोज लेवल। तो CSF के अंदर में आप लोगों का ग्लूकोज लेवल कितना है, इसको आप लोग मेजर करते हो। फिर आप लोग पूछोगे ग्लूकोज लेवल क्यों मेजर करेंगे भाई? क्योंकि ब्रेन का मेटाबॉलिज्म सही से चल रहा है कि नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी। सो टू इवैल्यूएट ब्रेन मेटाबॉलिज्म, यू गो फॉर ग्लूकोज टेस्ट ऑफ CSF, ओके। दूसरा कौन सा टेस्ट और कर सकते हो आप लोग? टोटल प्रोटीन। आप लोग CSF का टोटल प्रोटीन हेमेटोलॉजी लैब में करते हो, सभी बच्चों को पता होगा ये चीज के बारे में, इजंट इट। ऐसा कोई नहीं होगा जिस जो जो कोई भी बोलेगा कि हाँ मतलब मुझे नहीं पता। तो टोटल प्रोटीन इन योर CSF इज मेजर्ड। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोटीन कंटेंट आपके CSF के अंदर में बढ़ जाएंगे ना, हाई हो जाएंगे ना, इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो ये सजेस्ट करते हैं आपके बॉडी के अंदर में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कोई भी और अदर न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कोई न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स हो सकता है, सो दैट्स वाई टोटल प्रोटीन कंसेंट्रेशन किया जाता है, ओके। और क्या टेस्ट कर सकते हो आप लोग? स्पेसिफिक प्रोटीन का भी देख सकते हो, जैसे कि एल्ब्यूमिन हुआ। एल्ब्यूमिन सबसे अबेरडेंट फॉर्म में होता है, न्यूमरस होता है, कौन? एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन। तो स्पेसिफिकली यू कैन गो फॉर एल्ब्यूमिन, इससे पता चलेगा कि कहीं पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे अबनॉर्मल लेवल तो नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर, और कौन सा हो जाएगा? दैट इज योर LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज जो LDH होता है, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस, ये एंजाइम अगर आप लोगों का बढ़ गया है, एलिवेट हो गया है या फिर इंक्रीज हो गया है, तो पता चलेगा बॉडी के अंदर में कोई टिश्यू का डैमेज है या फिर कोई इन्फ्लामेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट और क्या है? यूरिया क्रिएटिनिन भी करते हो आप लोग ऑफ योर CSF, क्योंकि आपके किडनी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए भी आप लोग CSF का कर सकते हो यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट। और फिर और क्या क्या टेस्ट कर सकते हो? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हो आप लोग CSF के अंदर में? जैसे कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नेशियम, क्लोराइड। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आप लोग इसको टेस्ट करते हो फॉर योर CSF, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ CSF, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में कैसा सिलेबस है आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो भी आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। और मुझे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं, जैसा कि मुझे लगता है अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है आप लोगों को? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। भाई बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ ग्लूकोज को मतलब ले लिया है क्या पूरा पूरा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, इसको अदरवाइज आप लोग जानते हो GTT के नाम से, इजंट इट। तो GTT जो जो होता है उसको आप लोग OGTT भी बोलते हो। OGTT मतलब ओरल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि सुगर टेस्ट के अंदर में आप लोग जैसे कि जानते हो फास्टिंग होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर,
पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, HbA1c, और फोर्थ वाला ऐड कर लो GTT। तो GTT में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आपके बॉडी का रिस्पॉन्स टू शुगर ये वाला चेक करेगा। मतलब आप लोगों ने शुगर आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग खाओगे, उसके बाद मेजर किया जाएगा कि आपके बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हो इट मेजर्स बॉडीज रिस्पॉन्स टू शुगर, रिस्पॉन्स टू शुगर। ठीक है, जनरली कौन से डायबिटीज को ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। इसमें आप लोगों को क्या किया जाता है प्रोसीजर, तो अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, फास्टिंग ग्लूकोज आप लोगों का किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन ओरली दिया जाएगा, और उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाएगा आफ्टर 1 आवर एंड 2 आवर। ठीक है, दैट इज योर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है आप लोगों को, लेबोरेटरी एरर्स एंड प्रिवेंशंस। लैब में कौन से ऐसे एरर्स होते हैं और उसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। कर लोगे ना ये क्वेश्चन, क्या करोगे, कौन से एरर्स होते हैं लैब में टोटली। तो लैब में आप लोगों का क्या क्या हो सकते हैं, टोटल टेस्टिंग प्रोसेस में आप लोगों का प्री एनालिटिक एरर्स हो सकता है, एनालिटिक एरर्स हो सकते हैं, पोस्ट एनालिटिक एरर्स हो सकता है, यही ना, या फिर मैं कुछ अलग बता रही हूँ। प्री एनालिटिक एरर्स हो सकते हैं, प्री एनालिटिक एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी का पेशेंट का नाम आप लोग कुछ और पेशेंट का नाम लिख दिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन में कुछ इधर उधर कर दिए, ट्रांसपोर्ट करने में कुछ इधर उधर कर दिए, तो वो हो जाएगा आप लोगों का प्री एनालिटिक एरर में हुआ। दूसरा हो जाएगा एनालिटिक एरर, एनालिटिक एरर में आप लोगों का क्या हो जाएगा, टेस्टिंग के टाइम पे, एक्चुअली एनालिसिस के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे जो एरर होता है दैट इज योर एनालिटिकल एरर। तीसरा है पोस्ट एनालिटिकल एरर। पोस्ट एनालिटिकल एरर में क्या होता है आप लोगों का, रिपोर्ट देने के टाइम पे अगर किसी और पेशेंट का, किसी और के पेशेंट को आप लोगों ने रिपोर्ट दे दिया, या फिर कम्युनिकेशन में कुछ इधर उधर हो गया, तो वो सब कुछ आ जाएगा पोस्ट एनालिटिकल एरर। कौन सा कंडीशन को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, ये तो एरर्स आ गया, कौन से कंडीशन को आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि प्रिवेंशन के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑर्डरिंग, जो फिजिशियंस है वो थोड़ा सा रिलेवेंट टेस्ट, जैसे कि अगर फीवर हुआ है तो MPICT, टाइफॉइड, डेंगी, ये सारे टेस्ट रिकमेंड करेंगे, और फिर पेशेंट एंड स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन भी सही से होना चाहिए, स्पेसिमेन कलेक्शन प्रॉपरली प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसेस का क्वालिटी, जैसे कि कैलिब्रेशन करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, ये न्यूरो ऑटो एनालाइजर, ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान पे रखेंगे देन वी कैन प्रिवेंट लेबोरेटरी एरर्स। तो ये जो 5 क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने रैपिड वे में बता दिया ऑफ योर 2024 एनुअल एग्जामिनेशन बायोकेमिस्ट्री का, तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा है ना थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हुआ है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था, इधर थोड़ा सा जैसे कि गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट हुआ या फिर CSF वाला और लैब एरर, ये सारी चीजें जो है नया नया ऐड कर रहा है सिलेबस में, जो कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यू हैव टू नोट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन से टेस्ट कौन से चीज के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और जिसने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया था ना उसने नाम लिख दिया है, शायद एग्जामिनेशन में कुछ कर ही रहा था होगा, आई डोंट नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो आप लोग कर सकते हो, ऐसा देख सकते हो। प्रोटीन यूरिन में जानने के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट करते हो, बाई यूरेट टेस्ट, एज वेल एज दूसरा हो जाएगा हीट एंड एसेटिक एसिड टेस्ट, हीट एंड एसेटिक एसिड टेस्ट, ये होता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। शुगर के लिए कौन सा टेस्ट करोगे, शुगर के लिए कौन सा टेस्ट करोगे, बेनेडिक टेस्ट कर सकते हो या फिर फेलिंग्स,
टेस्ट भी कर सकते हो। ये फेलिंग टेस्ट आप लोगों ने क्लास 12th में किया होगा, मुझे याद है। आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है 12th क्लास में आप लोगों ने ये किया था। ओके नेक्स्ट है, कीटोन बॉडीज को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हो? कीटोन बॉडीज को जानने के लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि आप लोगों को भूलना बिल्कुल नहीं है, रोथेरस टेस्ट करते हो, और दूसरा एक स्पॉट टेस्ट होता है। ये टेस्ट किट अवेलेबल होता है स्पॉट टेस्ट का, जो कि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है टू थायराइड हॉर्मोन्स। वाह क्या बात है, क्या सवाल है। टू थायराइड हॉर्मोन्स, T3 ट्राइआयडो थायरोनिन, T4 थायरोक्सिन। ये T3 एंड T4 थायराइड हॉर्मोन्स है, ये क्या है? थायराइड हॉर्मोन्स है, और इसको स्टिमुलेट करने वाला, इसको इंड्यूस करने वाला कौन है? TSH है, जो कि सिक्रेटेड फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड, इजंट इट? नेक्स्ट क्या है, टू सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इधर लिखा ही है, क्या ही बताऊं, सोडियम एंड पोटासियम, ये दो सीरम के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, हो गया सब लोगों का ये वाला चीज क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है चलो उसको देखते हैं। द मेजर रेगुलेटरी फैक्टर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आर बॉडी इन द हार्मोन इज द हार्मोन, यानी आपके बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने वाला हार्मोन कौन है, जो कि सिक्रेशन होता है फ्रॉम योर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट इधर किडनी है आप लोगों का, सॉरी बीन सेप्ट है ना, बीन सेप्ट किडनी है, इधर आप लोगों का क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है जस्ट अबव द किडनी, तो उधर ये सिक्रेशन करता है आप लोगों का कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन, जो कि आप लोगों का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा है व्हेन द इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीज्ड द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड, जब आप लोगों के बॉडी में फ्लूइड जो है, इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी ऑफ योर बॉडी इज इंक्रीज, तो आप लोगों का बॉडी के अंदर में क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा या हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, चलिए बताइए। जब कोई भी चीज बढ़ रहा है, ऑस्मोलैरिटी आपके बॉडी के फ्लूइड के अंदर में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड होगा ना, हाइपोटोनिक ही होगा, समझ रहे हो? ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है आपके बॉडी फ्लूइड में, कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा ना। नेक्स्ट है एनी रिड्यूसिंग सुगर दैट विल गिव ए बेनेडिक्ट टेस्ट दैट इज योर एनी रिड्यूसिंग सुगर, रिड्यूसिंग सुगर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए क्या है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। व्हिच हार्मोन कॉजेस योर हाइपरग्लाइसेमिया? हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज आपके अंदर में बढ़ जाएंगे, ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन जो होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है, लेकिन जब ग्लूकोज को चाहिए होता है आपके बॉडी में, तो ग्लूकागन हार्मोन जो होता है ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, सो यहीं पे हो जाएगा ग्लूकागन। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट? तो ऑफ कोर्स टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। रोथेरा टेस्ट कौन से टेस्ट को, यूरिन को एग्जामिन करता है? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज योर कीटोन बॉडीज। द एंजाइम रेज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अच्छा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पोस्ट हेपेटिक है ना,
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने और एक क्वेश्चन भी आया था, शायद हम लोग डिस्कशन किए थे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आप लोगों का क्या बढ़ जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये वाला अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा, एसिड फॉस्फेटेज नहीं। हुआ, नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल लेवल ऑफ HbA1c, HbA1c ठीक है, जो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सब क्वेश्चन में, फिर से देखो फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही सवाल पूछा है, वो क्या हो जाए, कितना परसेंट लेस होता है, वो 6%, बिल्कुल 6 से ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा है, अब नॉर्मल इंक्रीज है, लेकिन नॉर्मली जो होता है लेस देन 6%। नेक्स्ट है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक वर्ड सेल्स। तो बहुत सारे बच्चों में ये वाला क्वेश्चन का कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों का गैस्ट्रिक जूस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये आप लोगों का पराइटल सेल से सिक्रेशन होता है, चीप सेल से नहीं, पराइटल सेल्स ऑफ योर स्टोमक विल सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द गैस्ट्रिक जूस। हुआ, खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों को लगा कि खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन दो पूछा है, तीन क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आप लोगों को दो करना है। लीवर फंक्शन टेस्ट क्लासिफाई करो, हाय 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 हाय, कितना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को इधर से, लीवर फंक्शन टेस्ट को क्लासिफाई करो, लीवर एंजाइम टेस्ट हो जाएंगे, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलानाइन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जीजीटी यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये सब बढ़ जाते हैं लीवर इंजरी के कंडीशन, तो ये लीवर एंजाइम्स है, इसको आप लोग टेस्ट करते हो, टोटल प्रोटीन टेस्ट भी करते हो, क्योंकि ओवरऑल प्रोटीन जो है लीवर में ही तो एक्सेस होता है ना, और क्या करते हो, बिलिरुबिन टेस्ट करते हो, बिलिरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है डिपॉजिट हो जाता है बाइल में, बाई और लीवर, और क्या लीवर फंक्शन टेस्ट है, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज, ये आप लोगों के बॉडी के जो वेरियस बॉडी टिश्यूज हैं इसके अंदर में पाए जाते हैं, लीवर में भी पाए जाते हैं, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट भी करते हो। हुआ, ये मेजर करता है आप लोगों का ब्लड का क्लॉटिंग टाइम, क्योंकि ये इन्वॉल्व करते हैं प्रोटीन जो कि लीवर से प्रोडक्शन होता है, लीवर से जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है ये हेल्प करता है आप लोगों का प्रोथ्रोम्बिन टाइम में, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेजर करने में, तो ये सारा चीजें जो है लीवर फंक्शन टेस्ट वैरायटी है, बाकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आप लोग पूरा लिखना होगा। दूसरा क्या दिया है, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के बारे में दिया है, ये वाला नया सिलेबस में ऐड हुआ है, और देखो आप लोगों को एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया ये, ठीक है, तो गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है, इधर से लिख रही हूँ, पहला तो फ्रैक्शनल टेस्ट मील एक होता है, जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग नोट कर सकते हो, बिल्कुल फ्रैक्शनल टेस्ट मील है, जिसमें आप लोगों का क्या किया जाता है, स्टोमक का कंटेंट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग ए थिन रबर ट्यूब, ठीक है, तो सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा, देखते हैं कि टोटली एसिड कितना प्रेजेंट है। दूसरा होता है पेंटागैस्ट्रीन स्टिमुलेशन टेस्ट, पेंटागैस्ट्रीन स्टिमुलेशन टेस्ट, हुआ, पेंटागैस्ट्रीन स्टिमुलेशन टेस्ट जो होता है, पेंटागैस्ट्रीन ये जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, पेंटागैस्ट्रीन नाम से जान लोगे, गैस्ट्रीन, ठीक है, तो इसीलिए ये एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेशन के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इसमें से पता चलता है। तीसरा है ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस, ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस, ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है जहां पे आप लोगों को ट्यूब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मतलब इमेजिंग टेक्निक के
द्वारा हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इंटरनल स्टोमक को, स्टोमक के इंटरनल पैट को हम लोग थ्रू इमेजिंग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे गैस्ट्रिक फंक्शंस टेस्ट हैं, ठीक है। हाइपर एसिडिटी के बारे में फिर पूछा है, हाइपर एसिडिटी मतलब एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा जो उसको आप लोग और एक नाम से भी बोलते हो, थोड़ा सा लिख देती हूँ यहीं पे। हाइपर एसिडिटी को और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिड डिस्पेप्सिया, एसिड डिस्पेप्सिया, जहाँ पे आप लोगों का स्टोमक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे डाइटरी हैबिट के वजह से, जैसे कि जंक फूड खा रहे हो, सुगरी फूड खा रहे हो, स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हो, इररेगुलर फूड खा रहे हो, तो लाइफस्टाइल जैसे कि बहुत ज़्यादा देर तक फास्टिंग रह रहे हो, या फिर अच्छे से सो नहीं रहे हो, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, या फिर मेंटल स्ट्रेस, या फिर हार्मफुल हैबिट जैसे कि स्मोकिंग वगैरह, ये सब की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होता है। दूसरा है हाइपो एसिडिटी, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे आप लोगों का एसिड जो है स्लो सिक्रेशन करेगा, लो, जैसे कि उसमें क्या आ जाएंगे हाइपो एसिडिटी में, जैसे कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गया है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गया है, क्रोनिक, हाँ अक्यूट नहीं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में स्टोमक के लाइन जो है वो रिड्यूस कर देंगे, एसिड प्रोडक्शन को कम कर देंगे, या फिर एजिंग के वजह से भी, अगर आप लोगों का एजिंग हो गया है तो भी एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर अगर आप लोग कोई मेडिकेशन ले रहे हो जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर H2 ब्लॉकर, ये सारा सब कुछ, या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, या फिर अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी हुआ है ना, तो भी गैसिड सिक्रेशन जो होता है कम हो जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछा है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या देखे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली देख के आ रहे हैं, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्सिन हार्मोन, ये दो हार्मोन जो होते हैं सिक्रेटेड होते हैं बाय योर थायरॉयड ग्लैंड। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंडर में क्या हो जाएगा, थायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे थायरॉयड हार्मोन, और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, ये थायरॉयड हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी अभी बताई थी, फिर से बता रही हूँ, थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ही सवाल से हम लोगों को 5 सवाल मिल सकते हैं गाइस, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं छोटे छोटे, मतलब एकदम शॉर्टकट वे में हम लोग पूरा जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डिफरेंट थायराइड फंक्शन टेस्ट हुआ। हम लोगों ने पूरा पूरा क्या बात कर लिया है आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इसी के दौरान पूरा पूरा, और हाँ और एक भी टेस्ट हो सकता है, T3 T4 तो हम लोग करते ही है, TSH टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, TSH टेस्ट भी होगा। तीसरा हो जाएगा आप लोगों का कौन सा टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट में थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है और थायराइड इमेजिंग टेस्ट भी होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता था नोट कर लो, हुआ तो ये हो गया है पूरा पूरा आप लोगों का डीएमएलटी डीएमआरटी एग्जामिनेशन बोर्ड ओडिशा में जो अभी एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था बायोकेमिस्ट्री पेपर का। क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग जो अटेंड करना चाहते हो लाइव क्लास, जो कि मेरे आप जो है सुभाष बायोलॉजी उसमें मेरा लाइव क्लासेस चल रहा है, अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है कर लो जाके, आपका नाम है सुभाष बायोलॉजी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। उस पर आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परचेज करना है फाउंडेशन बैच, अगर आप लोगों का अभी अभी सेकेंड सेमेस्टर खत्म हुआ है, ठीक है, फाउंडेशन बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं थ्योरी प्लस MCQ दोनों चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग पहले से सिलेबस आप लोग का कंप्लीट है तो आप लोग दूसरा बैच माइक्रो लैब बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय ऑल ऑफ यू।